हम इस पूरे जो डीएनए हमें सीक्वेंस करना है एक्चुअल में उसका स्टार्टिंग का थोड़ा सा सीक्वेंस का आइडिया हम ले लेते हैं कैसे लेते हैं हम डीएनए लेते हैं उसको हम क्लोन कराते हैं किसी वेक्टर के अंदर वेलकम एवरीवन माय नेम इज खुशमीत कौर एंड आई विल बी टेकिंग योर पॉट ऑप्शनल the topic that we are going to study today is dna sequencing. okay, so let's start. we are going to start with dna sequencing. so let's understand first what is dna sequencing. dna sequencing means uh, to find the arrangement of nucleotide sequence in the dna. we all know the structure of dna. Hai na? so dna can, if i talk about dna, i have arrangement of nucleotides in it like a t g c t a so i want to know the arrangement the sequence of these nucleotides this is known as dna sequencing okay we have different methods of sequencing this particular dna in this particular lecture we are going to emphasize on the chain termination method or sanger uh, dna sequencing method welcome everyone my name is kushmit kaur and i will be taking your botany optional today we are going to study a very important topic that is dna sequencing okay so let's start we are going to start with dna sequencing let's first understand what is dna sequencing dna sequencing means understanding the arrangement of nucleotides in the dna

ये किस ऑर्डर में अरेंज है मेरे डीएनए के अंदर दैट इज नोन एज डीएनए है। डीएनए सीक्वेंसिंग हैज डिफरेंट मेथड्स। ओके द वन मेथड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज नोन एज चेन टर्मिनेशन मेथड ओके सो लेट स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ This chain termination method was given by Sanger, so it is also known as Sanger's method of DNA sequences. Isko kya We also call it as Sanger's method of DNA sequencing. Now, why it is called as chain termination method, and what is that? We will understand. ठीक है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसमें हम डीएनए आइसोलेट करेंगे एनी इन द स्टेप ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग द फर्स्ट स्टेप विल बी आइसोलेशन ऑफ डीएनए तो हमने क्या किया लेट्स राइट द द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप स्टेप विल बी आइसोलेशन ऑफ डीएनए ठीक है वेन वी आर स्पेसिफिकली यूजिंग दिस सांगस मेथड वी वॉन्ट

ठीक है अब मैं क्या करूंगी आई वॉन्ट टू टेक दिस इज डबल स्टैंडर्ड आई वॉन्ट टू टेक अहेट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सो फर्स्ट वॉट आई विल डू आई विल डी नेचर दिस डीएनए ठीक है तो जो मेरा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ओके दिस डीएनएकेश थ्री डैश एंड एंटी बैरल थ्री डैश फाइव डैश फर्स्ट विल डू आफ्टर आइसोलेटिंग द डीएनए आई विल डी नेचर इट डी का मतलब क्या है डी सिंपली सिंपली मीन्स दैट आई वॉन्ट टू सेपरेट दीज टू देन आई विल बी लेफ्ट सॉरी देन आई विल बी लेफ्ट विद सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए तो जो दो स्ट्रैंड थे मेरे ऊपर इसमें से आई हैव टेकन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कोई भी एक स्ट्रैंड लूंगी और वही स्ट्रैंड क्या कहलाएगा मेरा वही स्ट्रैंड कहलाएगा मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड दिस स्ट्रैंड विल बी नोन एज एक स्टैंड का पता लगा लिया, so of course, जो कॉम्प्लीमेंट्रीक्वेंस में पता चला ही दूंगी राइट right? ठीक है तो मैंने एक स्ट्रैंड ले लिया डीएनए का थ्री रैश टू फाइव रैश वालावली पुट दिस टेस्ट ट्यूब नहीं एक्चुअली एप एंड ऑफ लूंगी मैं चार छोटी छोटी ट्यूब्स लेट मी एड इट ओनली मैंने चार ट्यूब्स ली वन टू थ्री एंड फोर ठीक है आई हैव टेकन दीज फोर स्मॉल ट्यूब्स एंड इन दिस दीज ट्यूब्स आई एल एड इक्वल अमाउंट ऑफ डी एन

अब आप बोलोगे मैम हमें तो सीक्वेंस पता ही नहीं है इसका तो तुम प्राइमर कैसे डालेंगे हम इस पूरे जो तो डीएनए हमें सीक्वेंस करना है एक्चुअल में उसका स्टार्टिंग का थोड़ा सा सीक्वेंस का आइडिया हम ले लेते हैं कैसे लेते हैं हम डीएनए लेते हैं उसको हम क्लोन कराते हैं किसी वेक्टर के अंदर और जो तो वेक्टर का सीक्वेंस होता है जो हमें नोन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम प्राइमर डिजाइन कर लेते हैं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमें इस पूरे तो जो डीएनए को हमें सीक्वेंस करना है इसकी स्टार्टिंग का कुछ जो सीक्वेंस है वो हम पता चला लेते हैं ठीक है तो प्राइमर्स उस हिसाब से डीएनए स्पेसिफिक प्राइमर्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं वो तैयार किए जाते हैं व्हाट इज प्राइमर प्राइमर जो शॉर्ट सीक्वेंस है जो डीएनए क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा ठीक है तो मैंने क्या क्या डाला टेम्पलेट डीएनए डाला इसके अंदर प्राइमर डाला और डीएनए पॉलीमरीज डाला क्योंकि डीएनए पॉलीमरीज के बिना डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा ठीक है सो आईव एडेड ऑल दीज थिंग्स बट आई विल लेबल दीज फोर ट्यूब डिफरेंटली ठीक है आई शो यू यूर वेट लेट्स मेक इट ह्योर ओनली या दिस इज माई फर्स्ट ट्यूब ठीक है इसको कर लेते हैं हम क्लोन क्लोन नहीं मतलब just drawing it. ऐसा. One, two, three, four. है? मैंने फोर ट्यूब्स ले, ले ली और इनमें मैंने क्या डाला इन सब में एक तीन चीजें मैंने कॉमन डाली क्या क्या फर्स्ट आई है डीएनए टेम्पलेट डीएनए प्राइमर एंड कोर्स अगर प्राइमर है, है, है तो course, भी चाहिए. तो कर देगा, लेकिन ऐड क्या होगा डीएन ऐड होंगे ना ठीक है तो इसके मुझे क्या पड़ेगा पीस भी डालना पड़ेगा तो ये चारों चीजें जो है दिस आई कीप कॉमन फॉर एवरीथिंग ठीक है बट स्टिल आई लिव दिस टेस्ट ट्यूब डिफरेंटली ठीक है जो ये ट्यूब्स हैं इसको सपोज करो मैंने मार्क करा ए इसको मैंने मार्क करा सी इसको मैंने मार्क करा जी और इसको मैंने मार्क करा पी वाइस क्योंकि इन सब के अंदर एक एक कंपोनेंट में डिफरेंट डालने वाली हूँ और वो क्या कंपोनेंट है लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां मैं डालूंगी डी डी एस यहां डालूंगी मैं डी डी सी यहां डालूंगी मैं डी डी जी टी पीस और यहां डालूंगी मैं डी डी टी टी ठीक है अब ये डी एन तो सुना था हमने वॉट इज दिस डी डी DTPs, D, D, G, uh, ATPs, D, D, GTPs, deal understand. देखो, ये है मेरा नॉर्मल स्ट्रक्चर डीएनए का ठीक है इस डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या है मेरे पास इस डीएनए के स्ट्रक्चर में ये देखो ठीक है दिस इज वॉट दिस इज माई डी ऑक्सी राइबो शुगर ठीक है डी ऑक्सी राइबोस शुगर है डी ऑक्सी क्यों है क्योंकि जो इसका ये वाला कार्बन होता है यहां से हमने ओ एच ग्रुप हटा दिया होता है दैट इज वाई इट इज डी ऑक्सी ठीक है इसके अलावा क्या है इसके पास ये राइबोस शुगर है ठीक है ये फॉस्फेट ग्रुप होता है एक और ये क्या है मेरा नाइट्रोजनस बेस है सो इफ आई ड्रॉ डायग्राम बेसिकली दिस इज माई राइबो शुगर ठीक है इस पे यहाँ पे क्या लगा होता है एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है ये बेस ए बी एटीबी ए भी हो सकता है एडिनिन भी हो सकता है ग्वानिन भी हो सकता है साइटोसिन भी हो सकता है ठीक है और यहाँ पे क्या लगा होगा मेरा यहाँ पे मेरा फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा ठीक है दिस होल दिस होल थिंग वेट दिस होल थिंग इज नोन एज न्यूक्लियोटाइट यह क्या बनाता है यह बनाता है एक न्यूक्लियोटाइट इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइट ठीक है सो so, जैसे न्यूक्लियोटाइड कौन सा वाला है यह थाइमिन लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम डीएनटीपी ठीक है D uh, D N T ये इसमें गोनन लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डीएनजीटीपी ठीक है सो यह क्या है डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइट्स हैं ठीक है अब फर्क क्या है जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है मेरा क्योंकि उसके इस वाले कार्बन पे थर्ड कार्बन पे क्या होता है ग्रुप ग्रुप होता 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 है 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 सो ये देखो पे क्या OH तो जो फॉस्फेट है एक जो फॉस्फेट है यहाँ पे ओ एच ग्रुप में क्या करता है वॉटर का रिमूवल होता है और इसके साथ एक बॉन्ड बनाता है दैट इज नोन एज एस्टर बॉन्ड ठीक है सिमिलरली ये जो फॉस्फेट है ये नेक्स्ट शुगर के वेट सॉरी जो ये फॉस्फेट है ये नेक्स्ट शुगर के जो ये वाला कार्बन है इसके साथ भी क्या बनाता है एस्टर बॉन्ड बनाता है इसलिए हम क्या बोलते हैं जो फॉस्फेट है वो यहां भी एस्टर बॉन्ड बना रहा है, ये पहले वाली शुगर के साथ और यहां भी एस्टर बॉन्ड बना रहा है सो दिस इज नोन एज बॉन्ड सो वॉट इज बॉन्ड Bond, जो है, वो तो, दो को लिंक करता है।, जो है वो यहां भी क्या बनाएगा, uh, bond, और यहां, भी क्या बनाएगा? यहां से फॉस्फेट जुड़ा था हमारा शुगर से ठीक है और दूसरे दोनों शुगर के बीच में भी क्या हुआ फॉस्फेट ने बॉन्ड बना लिया सो आई कैन राइट इट ह्योर दिस इज द फॉस्फोडाइस्टोर बॉन्ड और इसी फॉस्फोडाइस्टोर के बॉन्ड की मदद से जो मेरी दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे आर कनेक्टेड अगर ये बॉन्ड ना हो तो ये कनेक्ट कैसे होगी पूरी डीएनए का जो मेरा सीक्वेंस है वो कैसे कनेक्टेड होगा राइट ठीक है अब डीडीपी में क्या होता है ये था डीएनटीपीस नॉर्मल जो हमारे डीएनए मिलते हैं एक होती है डीडीपीस डी क्या होती है डाई डायडेडॉक्सी ट्राइफॉस्फेट्स ठीक है डायडिडॉक्सी ट्राई फॉस्फ्रिट्स ठीक है इसमें क्या होगा हम डिडॉक्सी राइबो शुगर यूज करेंगे क्या फर्क है पहले हमने डीएनटीपी में क्या यूज करी थी डीडी डी डीएनटीपी में हमने यूज करी थी डिऑक्सी राइबो शुगर जिसके इस वाले कार्बन पे क्या था थर्ड कार्बन पे ओ ग्रुप था विच वाज हेल्पिंग इन मेकिंग द फॉस्फोडर बॉन्ड बट प्रॉब्लम क्या है शुगर के साथ कि इसकी जो तो थर्ड कार्बन है यहाँ पे ओ ग्रुप तो है ही नहीं यहाँ पे एच ग्रुप है सो वॉट विल हैपन अगर मैं डीएनटीपी की जगह ये यूज करती हूँ डी अगर मैं ये यूज करती हूँ तो क्या होगा अगर मैंने ये डीडीएनटीपी यूज कर दिया तो मेरी चेन आगे नहीं बढ़ेगी क्यों नहीं आगे बढ़ेगी अगर फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो मेरी चेन आगे कैसे बढ़ेगी ठीक है सो क्या बताना चाह रही हूं मैं अगर तो शुगर लगी होगी नॉर्मल ऐसे वाली तो ये यह यहां पे नाइट्रोजनस बेस है यहां पे क्या है यहां पे नाइट्रोजनस बेस है यहां पे मेरा फॉस्फिट ग्रुप है ठीक है सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे सिमिलरली दिस विल हैपन दिस दिस विल मेक बॉन्ड मतलब रुको द फिगर इज नॉट करेक्ट ठीक है? ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर जो चलता रहता है इस कार्बन के साथ क्या बनता है लेकिन डिडोक्सी के केस में क्या होगा डिडोक्सी के केस में नॉर्मल मेरा फॉस्फेट तो अटैच होगा यहाँ पे मेरा फॉस्फेट अटैच है यहां नाइट्रोजनस बेस अटैच है ये दूसरी शुगर है ठीक है यहां पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है मेरा और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप इस पिछले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ नहीं पाएगा क्यों नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इसके पास तो तो OH ग्रुप है ही नहीं एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए तो इस केस में क्या होगा अगर मैं अपने रिएक्शन में डीएनटीपी की जगह कोई डीडीपी डाल दू डी एनटीपी डाल दू तो क्या होगा उसमें अगर मैं डीडीपी डाल दू तो उसके अंदर ये होगा कि वो चेन वही की वही टर्मिनेट हो जाएगी इट विल नॉट सिंथेसाइज माय डीएनए फर्दर

जी ए सपोज करो कि ये सीक्वेंस है अभी तो मुझे अननोन है मैं तो अभी निकालूंगी ये सीक्वेंस ठीक है और मुझे ये sequence को को करा मैंने. इन sequence को मैंने इन इन सब पे. ठीक है? इनको कराया. तो अब देखो क्या होगा. सबसे पहले बात करते हैं ही लिख लेते सबसे पहले हम क्या सीक्वेंस है हमारा सीक्वेंस है हमारा जी सी ए टी जी सी जी ए जी सी जी ए दोबारा लिख लो जी सी ए टी जी सी जी ए यहां भी लिख लो जी सी टी जी सी जी सी टी जी सी ए टी जी सी जी ए मेरा सीक्वेंस है अब क्या होगा पहले हम ट्यूब ए की बात करते हैं ट्यूब ए कौन सी ट्यूब है जहां मैंने डी डी ए टीपी डाला हुआ है ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर बाकी सारे डीएनटीपी भी हैं ए डी एन टीपी ए वाला सी वाला जी वाला सब प्रेजेंट है लेकिन मैंने क्या डाल हुआ? D, D, A, T, डाला हुआ है स्पेसिफिकली डी डी एटीपी डाला तो जब मैं सिंथेसाइज करूंगी तो यहां से कॉम्प्लीमेंट्री क्या जुड़ेगा जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है सी जुड़ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है जी जुड़ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है टी जुड़, जुड़ जाएगा अब टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ए अगर डी डी एटीपी वाला ए यहाँ पे आके जुड़ गया वो वाला एटीपी मतलब वो वाला एडी दिन जुड़ गया आके ठीक है जहां पे क्या था जहां पे जो डिडोक्सी वाला है तो क्या होगा वही की वही मेरी चेन टर्मिनेट हो जाएगी क्यों क्योंकि तो उसके पास ओ एच ग्रुप तो होगा नहीं और वो आगे बढ़ा नहीं पाएगा तो यहां मेरी चेन क्या कर जाएगी टर्मिनेट कर जाएगी ठीक है तो मेरे पास क्या आएगा एक सीक्वेंस मेरे पास ऐसा आ जाएगा क्या आएगा सी जी टी ए जो यही कि यही रुक जाएगा ठीक है अब मैं बात करती हूँ सी टीबी वाली की जिसमें साइटोसिन कौन सा है डिडोक्सी वाला है इसमें मेरे पास तो क्या होगा सबसे पहले तो पहली बारी में ही क्या होगा रुक जाएगा जैसे ही जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी बनेगा यहां पे वहीं की वहीं मेरी चेन टर्मिनेट हो जाएगी ठीक है अब ऐसा एज्यूम करो ऐसे सपोज करो कि पहली बार क्या हुआ कि जब चेन बन रही थी तो डी भी पी आगे लग गया ठीक है और चेन रुक गई लेकिन जब तो दूसरी बार सिंथेसाइज हो रही थी तो हमारा जो डीएनटी भी डाला हुआ था हमने सी वाला वोला सी आके जुड़ गया डीएनटीपी वाला सी तो क्या होगा कंटिन्यू होगी चेन करके देख लेते हैं यहां पे क्या लगेगा सी लगेगा जी लगेगा ए कॉम्प्लीमेंट्री टी लगेगा टी कॉम्प्लीमेंट्री ए लगेगा फिर क्या लगेगा सी लगेगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि सी कौन सा लग गया है डीडी वाला लग गया है इसलिए क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा तो यहां से क्या मिलेंगे मुझे दो चे दो डिफर्न डिफर्न लेंथ के सीक्वेंस मिलेंगे। आगे चलते हैं डी डी जी टी पी में चलते हैं इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले क्या है सी है फिर यहां पर जी में टर्मिनेट हो जाएगा राइट क्योंकि जी कौन सा लग गया है डीडी वाला अब सेकेंड केस एज्यूम करो कि डीडी वाला नहीं लगा है डी वाला लग गया है तो क्या होगा कंटिन्यू होगा सी जी टी ए सी फिर यहां पे दोबारा रुक जाएगा बिल्कुल रुक जाएगा इसमें हमने थर्ड केस नहीं लिया इसमें थर्ड केस तो होगा ये देखो सी जी टी ए सी फिर दोबारा लगेगा जी और फिर दोबारा क्या लगेगा सी और फिर यहां पे क्या हो जाएगा टर्मिनेट तो तीन केस बनेंगे यहां पे देखो अब क्या हुआ यहां तक पूरा सिंथेसाइज हो गया ये क्या बने दो केस बने मेरे ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या है मेरे पास डी डी टी है मेरे पास। इसमें क्या होगा सबसे पहले लगा, लगा? लगा, फिर क्या लगा? G लगा। और A टी। तो यहां पे क्या 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 और तो पे हो हो जाएगा? Termination हो जाएगा। Next चलते हैं, Next क्या बना? टर्मिनेट टी नॉर्मल वाला भी हो सकता है दूसरा वाला भी हो सकता है ठीक है अब बात क्या है बात है कि जो मेरी इनको करा हुआ है रेडियो लेबल ठीक है तो क्या होगा सपोज करो कि अगर मेरी चेन टर्मिनेट होती है ए पे ठीक है तो जिस लेटर में मेरी चेन टर्मिनेट हो रही है वो मुझे जब मैं जेल में उसको रन करूंगी तो मुझे फ्लोरोसेंटली क्या हो जाएगा शो हो जाएगा ठीक है तो मैं उससे पता चल, पता, चल, पता चल, मतलब उससे मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा न्यूक्लियोटाइड बेस है कौन सा बेस है वहां पे कौन सा सीक्वेंस है वहां पे ठीक है पहले ये समझ आया हमने क्या करा है हमने सिर्फ ये ज्यूम करा है हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में डिफरेंट डिफरेंट डी डाले ठीक है जहां पर इमेजिन करो कि ये डी डी पी आग गया वहां पे चेन क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो गई लेकिन अगर डीएनडीपी आगे लग गया तो चेन कंटिन्यू हो जाएगी इसलिए हमने जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी हर ट्यूब के अंदर वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या है लिख ली है काउंट कर लो कितने बेस पेयर का कितने केस आए हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है देखो तो अब कैसे क्या होगा अब मैं इसको इन चारों ट्यूब को एक जेल में रन करूंगी ठीक है मैंने ये चारों ट्यूब ली और मैंने इनको रन किया एक जेल के अंदर ठीक है One, two, three, ठीक है मैंने इनको एक जेल के अंदर रन कर दिया मैं यहाँ पे ना मार्क भी कर देती हूँ आठ लिख भी देती हूँ यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स

सी वाला था जो G वाला था और एक क्या था मेरा टी वाला था ये चारों की चारों ट्यूब्स मैंने ले ली हैं। अब क्या होगा कि देखो, सबसे पहले सबसे छोटा बैंड कहाँ आया सबसे छोटा बैंड आया यहां पे सी वाले नहीं? पे सबसे छोटा बैंड आया लगा दो यहां पे बैंड सी वाले पे सबसे छोटा बैंड मैंने लगा दिया ठीक है अब देखते हैं सेकंड सेकंड किस पे आया दो न्यूक्लियोटाइड का यहां पर आया किस पे जी वाले पे लगा दो यहां जी वाले पे सेकंड बैंड आया ठीक है थोड़ा साइड कर ले इसको इसका इसका नाम ना भी साथ साथ लिखते जाओ पहला वाला कौन सा था पहले वाला था जस्ट सी दूसरा वाला क्या था सीजी तो लिख दो ये 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 क्या 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 है है था पे 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 कौन सा आएगा Third पे आएगा ये वाला CGT. ये लिखो अब वाले में आए. So one, two, three. यहां पे लिख दो थर्ड बैंड है और कौन सा आया सीजीटी सी सी जी टी नेक्स्ट चलो सॉरी नेक्स्ट क्या है फोर चार वाला कौन सा है ये रहा सी जी टी ए ये चार वाला बैंड आया है. किस पे ए पे तो यहां बना दो ठीक है सी जी टी ए ठीक है उसके बाद क्या है नेक्स्ट इस फाइव वाला फाइव वाला कहां पर है फाइव वाला ये रहा वन टू थ्री फोर फाइव किस पे आया है सी वाले पे आया बना दो इसको फाइव नंबर पे यहां बना दो ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है मेरा सी के बाद क्या था मेरा ये दिस इज डन देन सिक्स वाला सिक्स वाला कहां पर है यहां पर है थर्ड वाले पे सिक्स वाला बिल भी थर्ड वाले पे यहां बना दो उसके बाद सेवन देखो सेवन वाला कहा है सेवन वाला इज वेयर दिस इज सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन दी वन सो यहां बना दो सेवन वाला सी वाले पे और लास्ट तो कहाँ आया था हमारा लास्ट आया था, था हमारा यहाँ ठीक है सो इफ आई विल राइट द सीक्वेंस वॉट पहला क्या है सबसे पहला आया है सी के अंदर सेकेंड किसके अंदर आया है जी के अंदर थर्ड किसके अंदर आया है टी के अंदर फोर्थ किसके अंदर आया है ए के अंदर फिफ्थ किसके अंदर आया है सी के अंदर सिक्स किसके अंदर आया है जी के अंदर सेवेंथ सी एट्थ टी ठीक है ये क्या आ गया है? मेरा सीक्वेंस आ गया अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखो क्या होगा ए अरे मैंने सेवन्थ लिख दिया यहाँ पर ए टी सी जी टी ए सी जी ये क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यही लिया था हमने जी सी ए टी जी सी टी ए जी सी ए टी जी सी टी ए ठीक है दिस इज द सेम सीक्वेंस दैट वी हैव टेकन एक मिनट इसमें लास्ट में जी ए आ रहा है रुको व्हाट वी हैव टेकन जी सी ए टी जी सी हम हाँ तो जी तो आएगा यहाँ पे टी क्यों लिख दिया यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है जी सो दिस इज द सेम सीक्वेंस वी हैव ऑब्टेड जो हमने ढूंढने का ट्राई किया सो वॉट इज द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल इज बेसिकली हमने क्या यूज किया हमने डी डी एन टीपीज यूज करें डी डी क्या है डिडॉक्सी वाले डिडॉक्सी वाले कौन से वो वाले जिसके अंदर ओ एच OH ग्रुप नहीं है तो फॉस्फोडास्टोर बॉन्ड नहीं बनेगा इसका मतलब जो तो डीएनए की चेन है वो क्या हो जाएगी वो टर्मिनेट हो जाएगी इसी बेसिस पे हमने क्या किया चार ट्यूब्स ली और उन चारों ट्यूब्स में अलग अलग डी डी एटीपीज डी 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 सी टीपीज ये सब डाल दिए ठीक है डिफरेंट डिफरेंट डाल दिए एक में ए वाला डाल दिया एक में सी वाला एक में जी वाला और एक में टी वाला लेकिन ये सारे कॉम्पोनेट हमने दिव बाकी सब में ले क्योंकि मिटिगेशन सिंथेसाइज तो करना ही है तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को हमने जेल पे रन करके देखा और एक सीक्वेंस निकाला और उसका कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस इज द सीक्वेंस दैट यू आर लुकिंग फॉर ठीक है यहाँ पे एक बार टेक्निक देखो टेक्निक के अंदर क्या था ये देखो तो टेंपलेट डीएनए है मेरा टेंपलेट डीएनए के अंदर मैंने पॉलीमरेज यूज किया है रुको पॉलीमरेज यूज किया है डीएनटीपी यूज किया है प्राइमर यूज कर हैं उसके अंदर हमने और डिफरेंट डिफरेंट डीडीएटीपी डीडीटीपी टीटीपी डीडीजीटीपी ये सब यूज कर ठीक है उसके बाद क्या करा मैंने ये पॉलीमरीज रिएक्शन शुरू हुआ है अगर रेडियो एक्टिवली लेबल वाल आके लग जाएगा यहाँ पे तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे एक्सटेंशन इसकी क्या हो जाएगी रुक जाएगी स्टॉप हो जाएगा ये रिएक्शन यहाँ पे ठीक है उसके बाद क्या करूंगी मैं उसके बाद ये देखो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज की क्या आ जाएंगी चेन आ जाएंगी ठीक है इसको जब मैं जेल पे रन करूंगी जब सैंपल को और इसको ऑब्जर्व करूंगी मैं क्रोमाटोग्राफ आएगा मेरे पास और उसमें क्या आएगा डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आएंगे जहां से मुझे क्या मिल जाएगा जहां से मुझे इसका सीक्वेंस जो है वो मिल जाएगा मेथड ऑफ सैंगर सीक्वेंसिंग ठीक है इसके एप्लीकेशन क्या है टारगेटिंग स्मॉलर जिनोम इन लार्जर नंबर ऑफ सैंपल अगर मेरे पास बहुत बड़ा सैंपल है और उसके अंदर मुझे छोटा साक्वेंस को सीक्वेंस करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा मेथड ये है उसके अलावा क्या है सीक्वेंसिंग ऑफ वेरिएबल रीजन डिफरेंट डिफरेंट रीजन को भी मैं इसके थ्रू सीक्वेंस कर सकती हूँ उसके अलावा क्या है वैलिडेटिंग रिजल्ट फ्रॉम एनजीएस स्टडी वॉट इज एनजीएस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है अगर मुझे उसके रिजल्ट वैलिडेट करने हैं देन आई कैन यूज दिस मेथड ठीक है वेरीफाइंग प्लाज्मेट सीक्वें इंसर्ट्स एंड म्यूटेशंस अगर कुछ लेवल पे कुछ इंसर्शन डिलीशन हुई है तो उसको भी वैलिडेट कर सकती हूँ मैं ढूंढ सकती हूँ उसको विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड जीरो ऑफ माइक्रोसेटेलाइट मार्कर्स सिंगल डिसनेटिक वेरिएशन जो भी मेरे छोटे स्केल पे जितनी भी चीजें हैं छोटे स्केल पे छोटे आ, आ, रीजन को टारगेट करने के लिए छोटे रीजन को करने के लिए, वो सारी टेक्निक है वो इसमें मैं यूज कर सकती हूँ ठीक है नेक्स्ट इज दीज आर दीज आर सम लिमिटेशन लेट्स स्टडी दैट ऑल्सो दे बी कम डन बाय दिस What are the advantages? Advantages are, sorry, advantages are the first is highly accurate and reliable results. Results क्या हैं? बहुत accurate हैं, बहुत ज़्यादा reliable हैं। उसके अलावा, ला, longer read length suitable for targeted sequences. अगर बहुत बड़ा genome है और मुझे target sequence sequence करना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया method है। Lower error rate, especially in the homopolymeric regions. बहुत कम क्या होगा इसके अंदर error rate बहुत अच्छा है, मतलब efficient है method, specific है ये method. सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है तो अगर मुझे कोई कम सैंपल लेने एक टारगेट सीक्वेंस लेना है तो उसके लिए मेथड बहुत एफिशिएंट है ठीक है लिमिटेशन क्या होंगी इसकी लिमिटेड थ्रोपुट स्लोअर प्रोसेसिंग टाइम प्रोसेस टाइम और जो टोटल जील्ड है वो क्या है थोड़ी कम है हायर कॉस्ट पर बेस पेयर स्पेशली फॉर लार्ज जोनोम अगर मुझे बहुत सारे जोनोम्स करने हैं तो उसके हिसाब से अगर मैं एक एक को एड सीक्वेंस करूंगी तो इट विल रिक्वायर अ लॉर्ड ऑफ कॉस्ट ठीक है उसके अलावा क्या है लेस स्केलेबल है फॉर लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स विच आई हैव मेंशन ऑलरेडी ठीक है एक एडवांटेज तुम इसमें और मेंशन कर सकते हो कि जो बाकी मेथड है जैसे मैक्सिम मेथड है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर बहुत सारे हजार्डियस केमिकल्स यूज होते हैं बट इसके अंदर इन कंपेरिजन कम हजार्डियस केमिकल्स जो है वो यूज होते हैं तो इस तरह से भी इट इज वेरी बेनिफिशियल ठीक है एंड दिस मेथड हैज ऑल्सो बी यूज इन टू इन ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे थे ह्यूमन के पूरे जिनोम की तो उसमें भी इस मेथड को यूज किया था Okay. So overall, this is a very good method and a really a milestone. So I hope that you are able to understand this. Thank you.